जय हिंद जय भारत। मैं रेवल सदानंद पति, आप सबको मीडिया के माध्यम से होली की शुभकामनाएं। लेकिन मेरे विचार से होली की ये शुभकामनाएं अधूरी हैं। भारतवर्ष के 140 करोड़ भारतीय और देश विदेश में अन्य तमाम बुद्धिजीवी लोग, सोशल थिंकर्स, हमारे युवा साथी, भाई बहन, अंडर ग्रेजुएट्स, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, इतने सारे लोगों के आइकॉन सोनंग वांगचुक जी का आज 20वां दिन हंगर स्ट्राइक का, लद्दाख के अस्मिता के लिए, लद्दाख के सम्मान के लिए, सिक्स शेड्यूल के लिए और लद्दाख के वो समुदाय जो वंचित हैं अपने अधिकारों के लिए, मैं आप सबको नमन करता हूं जिन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद पर इन कठिन परिस्थितियों में सदैव सोनंग वांगचुक और हर उस लद्दाख का सपोर्ट किया, लद्दाखी का, जो पिछले 5 साल से एक वादे के ऊपर आश्रित रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपने अधिकार लेने पड़ेंगे संविधान के दायरे में। रेबल फाउंडेशन के करोड़ों लोग आज अपना पूर्ण समर्थन माननीय सोनंग वांगचुक जी को और एपेक्स जो बॉडी आप लोगों के और लद्दाख के हर उस नागरिक को हम अपना पूर्ण समर्थन देते हैं जो लद्दाख की अस्मिता के लिए आज युद्ध स्तर पे इस हंगर स्ट्राइक में शामिल है। देश में जहां चारों तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद एक शांति का मैसेज, एक उपवास, एक व्रत, एक अनशन, और इस स्तर पे वो भी प्रकृति के उस टेम्परेचर में जहां माइनस में, कहीं ना कहीं पूरा विश्व इसे देख रहा है। आप सब लोगों से एक अपील कि डिपेंडेंट ना रहे कि केवल मीडिया की ये जिम्मेदारी है, हर उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है जो लद्दाख को समृद्ध लद्दाख के तौर पे देखना चाहता हो। हर उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है जो लद्दाख को खुशियों के साथ पनपता हुआ देखना चाहता हो, यहाँ के चरवाहे, यहाँ के शेफर्ड, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए एक मशाल के तौर पे आपको भी जागृत होना पड़ेगा। मेरे टीम को जब ये सूचना मिली तो इमीडिएटली लोग हम लोग यहाँ पे आए। कल सुबह मेरा यहाँ आना हुआ है और हमारे संगठन के लोग भारत के कोने कोने में और विदेश के कोने कोने में आप लोगों को ये समर्थन देने के लिए ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं और एक बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैंने सुना कल कारगिल में भी अनशन की शुरुआत हो गई है। जो लोग इसको कर रहे हैं, नमन है उनको, सैल्यूट है उन तमाम लोगों को। और मैं भारत के कोने कोने में जब प्रोटेस्ट या किसी मुद्दे के लिए जाता हूं तो यहां पे एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला है। यहां हमारी देश की माताएं और बहनें बहुत बड़ी तादाद पे आए हैं, तो मेरा विशेष नमन और मेरा प्रणाम आप सभी को। जिस व्यक्ति के साथ, जिस संगठन के साथ देश की माताएं और बहनें लग जाएं, तो वहां तो असफलता के लिए कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो लद्दाख का स्टेटहुड, आपके सिक्स शेड्यूल और यहाँ के पैस्चर्स, यहाँ के ग्रेजिंग लैंड, इसके लिए जो आप लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ाई आपको अति शीघ्र पूर्ण मिलेगी, परंतु ये लंबी लड़ाई है। अब इसके और सारे परिणाम भी आने वाले हैं। ये इतना आसान नहीं होगा। अगर हमने सोचा ये केवल 18-20 दिन का विषय नहीं है, ये युद्ध स्तर पे हमें काम करना होगा। और उसके लिए लद्दाख के हर लद्दाखी को जो यहाँ पे है या देश और विदेश के कोने कोने में, उन्हें सोनंग वांगचुक बनना पड़ेगा। जी सर, आपका संगठन ये आप नेशनल लेवल पे इसको लद्दाख की जो डिमांड को किस तरह से पहुंचाएंगे, और आप यहाँ लद्दाख में विशेष तौर पर आया तो आपके संगठन के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ पर फैला हुआ। देखिए, मैं रेबल फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ और रेबल फाउंडेशन के बहुत सारे वॉलंटियर अभी यहाँ स्टेज पे भी है और देश और विदेश के कोने कोने में। आमतौर पर लोग हमें बागी के तौर पर जानते हैं और हम लोगों ने जो याचिकाएं आज तक लगाई हैं वो जनहित के लिए लगाई हैं। हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक उथल पुथल या राजनीतिक मुद्दों पे विवेचना नहीं करते। हमें लगता है कि अगर इनजस्टिस है तो आवाज बनने की जरूरत है। ड्रग्स के खिलाफ हम लोगों ने एक बहुत लंबी मुहिम छेड़ी है। कश्मीर में पिछले साल आज ही के दिन मैं 4 महीने कश्मीर था, आप लोग वहां देखते हैं। और हम लोग एक प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच का जो फर्क है ना, ये हमारे वॉलंटियर्स तय करते हैं। आपने कहा देश और विदेश में, मेरे यूथ वॉलंटियर्स एडलेड में, ऑस्ट्रेलिया में,
यूएस में, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कनाडा में, यहाँ के हर जगह से लोग तैयार हैं सोनंग वांगचुक और लद्दाख के जो तमाम लोग हैं उनको अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। हम लोगों ने अपना एक छोटा सा विचार बनाया है कि भारत का सबसे बड़ा ह्यूमन चेन हम लोग लद्दाख के लोगों को समर्पित करने वाले हैं। इसके विषय में मेरी कल सोनंग वांगचुक जी से बात हुई है, एपेक्स के टीम मेंबर से भी हम लोग मिल रहे हैं और इसमें विवेचना चल रही है। जिस वक्त हमें ये स्वीकृति मिल जाएगी तो आपको भारतवर्ष का सबसे बड़ा ह्यूमन चेन सेव लद्दाख एंड रिस्पेक्ट लद्दाखीज ये कैंपेन आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। और इसमें आप सबकी सहयोग, मीडिया के तमाम भाई बहन, मेरे साथी यूट्यूबर्स, साथी फेसबुक के जो पेजेस हैं, चैनल है, और सबसे बड़ी बात है जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, हर लद्दाखी को सोनंग वांगचुक बनना पड़ेगा। तो आपके जो सूत्रों के मांगे हैं, सिक्स शेड्यूल है, ये कोई सेपरेट मांगे नहीं है, ये वो मांगे हैं जो पहले कमिटमेंट की गई थी। लद्दाख का स्टेट बोर्ड कमिटमेंट किया गया था, आपके यहां विधानसभा के लिए कमिटमेंट की गई थी, तो हम इनसे कोई पार्ले जी का या ब्रिटानिया की बिस्किट का डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम यहां लद्दाखियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। यहां कोई 100 गज का प्लॉट या दुकान की डिमांड नहीं कर रहे हैं। यहां लोग अपनी अस्मिता, अपने अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी डिमांड है, और ये लड़ाई तब तक होगी जब तक ये डिमांड फुलफिल ना हो।